हे गाइस, वेलकम बैक टू द एआर यूट्यूब चैनल। और लास्ट टाइम आपने एबीसीडी कब पढ़ा था? आई थिंक पहली कक्षा में, जब आपने स्कूल ज्वाइन किया होगा। पर क्या आपको पता है कि पायलट्स को भी एबीसीडी पढ़ाई जाती है जब वो फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन करते हैं? जी हाँ, एबीसीडी से लेकर पूरे जेड तक। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? आइए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, बचपन में हम A4 एप्पल, B4 बॉय और C4 कैट पढ़ा करते थे, लेकिन एविएशन की ABCD थोड़ी अलग होती है। अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा एको फॉक्सट्रॉट गोल्फ होटल इंडिया जूलियट किलो लीमा माइक नवंबर ऑस्कर पापा क्यूबिक रोमियो सीरा टेंगो यूनिफॉर्म विक्टर विस्की एक्सरे यंकी जूलो। मतलब कि एविएशन में अगर पायलट को ABCD बोलना है तो वो ABC नहीं बोलते, बल्कि अल्फा ब्रावो चार्ली बोलते हैं। पर ABCD को इतना डिफिकल्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? अच्छा खासा बचपन में पढ़े थे, वही चला देते। दोस्तों, एविएशन के शुरुआत से ही कम्युनिकेशन का बहुत प्रॉब्लम रहा। बड़े बड़े प्लेन हादसे पुअर कम्युनिकेशन की वजह से हो गई, क्योंकि दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज हैं जो एक दूसरे से सिमिलर है या सुनने में एक जैसा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे एयरलाइन कंपनी का नाम है AR एयरलाइन। जब कभी भी ATC या पायलट के द्वारा इस नाम को बोला जाएगा तो हो सकता है पायलट A को ये सुन ले, R को और सुन ले। इस तरह से बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होता है और इन कंफ्यूजन्स की वजह से एक प्लेन हादसे का शिकार भी हो सकता है। World War 1 और 2 के दौरान इसका एक सोल्यूशन निकाला गया। अलग अलग कंट्रीज ने यह डिसीजन लिया कि हम A को A नहीं बल्कि एम्स्टरडेम कहेंगे, R को रोम कहेंगे। इस तरह से सभी अल्फाबेट्स का एक कोडवर्ड निकाल दिया गया। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग फन गेम एविएटर के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पर खेलकर घर बैठे पैसे जीत सकते हैं और ये फोराबिट पर अवेलेबल है। चलो खेल के दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ पैसे लगा रहा हूँ, बस यहाँ पर टाइम पर कैश आउट करना पड़ता है। वाओ, 15,663 रुपए। एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। सिर्फ 9 लक दिस टाइम। इस बार कुछ बड़ा अमाउंट लगाता हूँ। वाओ, 2 गुना कैश आउट। 20,720 रुपए में जीत गया। अब मैं इन पैसों को विड्रॉ कर लेता हूँ। ये रहा स्क्रीनशॉट। 15 मिनट्स में विड्रॉ हो जाता है। यहाँ पर आप कोई भी अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं UPI, फोन पे, गूगल पे इत्यादि से। साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है, रजिस्टर कर सकते हैं। फर्स्ट डिपॉजिट पर आपको 700 वेलकम बोनस मिलेगा अप टू 90,000। इस खेल में आप हार भी सकते हैं, इसीलिए सावधानी से खेलें। अब यहाँ पर सभी देशों ने अल्फाबेट का नामांकन अपने देश के अनुसार कर दिया। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम तब शुरू हो गई जब प्लेन्स इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए उड़ान भरने लगे, क्योंकि यहाँ पर सभी के अल्फाबेट का अलग अलग कोडवर्ड था। जैसे कि एक देश A को एम्स्टरडेम कह रहा था, तो वहीं दूसरा देश एडम, वहीं तीसरा देश अर्जेंटीना। अब इतने सारे कोडवर्ड्स को भला कोई कैसे याद रखे? फाइनली ये इतना पेचीदा हो गया कि पायलट्स को एक बुक रखने की जरूरत पड़ने लगी, जिसके जरिए वो इन कोडवर्ड्स को समझ सके और उस कंट्री के अनुसार वर्ड्स को ट्रांसलेट कर सके। इसके बाद US बेस्ड एक कंपनी यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा कि भाई अब ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ पर बहुत सारी कन्फ्यूजन हो रही है। फाइनली 1956 में सारे अल्फाबेट्स के कोड्स को फिर से सेलेक्ट किया गया, वो भी हजारों वर्ड्स को जांचने पर रखने के बाद। इन कोड वर्ड्स को कुछ इस तरह से सेलेक्ट किया गया कि ये किसी भी दूसरे वर्ड्स के साथ मैच ना करे। फॉर एग्जाम्पल, BCH, इन तीनों अल्फाबेट के वर्ड्स को देखे तो बैट, कैट, हैट, ये तीनों अलग अल्फाबेट होने के बावजूद भी सुनने में एक जैसा लगता है। जबकि अगर एविएशन के लैंग्वेज में इसे कहा जाए तो BCH को हम कहेंगे ब्रावो चार्ली होटल। इतने सारे कोडवर्ड्स के बाद फाइनली कम्युनिकेशन का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन सिर्फ अल्फाबेट्स में ही नहीं था, बल्कि नंबर्स भी एक दूसरे से काफी सिमिलर था। फॉर एग्जाम्पल, ATC पायलट को कहता है कि क्लाइम फ्लाइट लेवल 100 फ्री स्पीड नाउ, यहाँ पर मे बी पायलट फ्री को 3 समझ ले। वहीं अगर ATC 3 बोल रहा होगा तो मे बी पायलट फ्री समझ ले। इसके अलावा 9, एक जर्मन वर्ड 9 से मिलता है जिसका मतलब होता है 9, इसलिए नंबर 3 को 3 नहीं बल्कि ट्री बोला जाता है और नंबर 9 को नाइनर कहा जाता है। यहाँ पर हर नंबर को सेपरेटली कहा जाता है, जैसे कि AR 190, क्लाइम FL 320, इसको इस तरह से नहीं बोला जाता बल्कि इसे सेपरेटली बोला जाता है, जैसे कि अल्फा रोमियो 190, क्लाइम फ्लाइट लेवल 320। सो आई होप अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि क्यों पायलट्स को फ्लाइंग स्कूल में ABCD और 1-2 सिखाया जाता है। फिलहाल मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।